दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली ने केएल राहुल की जगह कप्तानी करी और उनकी कप्तानी से एक ऐसा नतीजा भी मिला जिससे भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को 99% जीत चुकी है। आखिरकार कैसे? कोहली की समझदारी, उनकी कप्तानी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैच को लगभग जीत लिया है, जिसे देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ी भी पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए। कोहली की ये कैप्टेंसी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली, रोहित और धोनी तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन रहा है अब तक का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारत का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में तो हमारे गेंदबाजों ने ऐसा हल्ला बोल किया है कि आज बांग्लादेशी टीम जगह ढूंढ रही है, वो कोना ढूंढ रही है जहां वो बैठकर रो पाए। पहले टेस्ट मैच को जीतने के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बुलंद था, और दोस्तों इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब भारतीय क्रिकेट टीम ये दूसरे टेस्ट मैच को खेलने के लिए उतरी तो मैदान में हमारी ही टीम का परचम लहरा रहा था। दोस्तों, गेंदबाजी में हमने पहली इनिंग्स में 227 रन पर बांग्लादेशी टीम को ऑल आउट किया। उसके बाद पंत और अय्यर की धांसू पारियां देखने को मिली, दोनों ने 80 से ज्यादा रन लगाए। पंत तो शतक से मात्र 7 रन पहले आउट हो गए थे। खैर दोस्तों, अच्छी खासी पारियों के चलते भारतीय क्रिकेट टीम ने 314 रन तो बना ही दिए थे। लगभग 100 रन की लीड से जब बांग्लादेश की टीम के सामने हमने चैलेंज रखा तो हमारे गेंदबाजों ने इस चैलेंज को अपने ऊपर ले लिया, और दोस्तों मानना पड़ेगा हमारे गेंदबाजों ने तीसरे दिन के खेल में पहले सेशन के अंदर ही बांग्लादेश की टीम की पखियां उधेड़ के रखती थी। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में हमें भले ही विकेट ना मिली, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू होता है वैसे ही दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी का वो चमत्कार दिखाते हैं जिससे कि बांग्लादेशी टीम की आंखें भी चौंधी आ जाती है। दोस्तों, रविचंद्र अश्विन आरी के 8वें ओवर में सेंटो को आउट करते हैं, पारी के 13वें ओवर में सिराज मोमिनुल को आउट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विकेट मिलता है दोस्तों कोहली की कप्तानी के अंदर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और एक नहीं दो विकेट। दोस्तों, शाकिब अल हसन को तो विराट कोहली ना जाने कितने सालों से खेलता हुआ देख रहे हैं, और दोस्तों शाकिब अल हसन एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते थे जो भारत के लिए बड़ा सरदर्द होते, लेकिन विराट कोहली जानते हो नटखट ज्यादा नहीं खेले, यानी कि दोस्तों इस मैच में शाकिब अल हसन के पास उनका तोड़ नहीं है, इसीलिए विराट कोहली दोस्तों धीमे से नटखट को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें एक लेंथ गेंद डालने की सलाह देते हैं। वो जानते थे कि कवर ड्राइव खेलने का प्रयास करेंगे शाकिब अल हसन, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों, यकीन मानिए पारी के 25वें ओवर में ऐसा ही हुआ, जब चौथी गेंद पर उनादकट ने इस गेंद को एक लेंथ गेंद में तब्दील कर दिया, और जब शाकिब अल हसन ने वाकई में कवर ड्राइव शॉट खेला तो शुभमन गिल जो उनके पास खड़े थे उन्होंने उनका कैच पकड़ा और भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई। दोस्तों, ये विकेट उनादकट के नाम जरूर रहा, लेकिन इसमें कोहली की मदद भी शामिल थी। आगे चलकर दोस्तों उमेश यादव और अक्षर पटेल बैक टू बैक विकेट दिला रहे थे, लेकिन जाकिर हसन नाम के खिलाड़ी भी मैदान में सेट थे 51 रन बनाकर। जाहिर सी बात है, इस खिलाड़ी का विकेट भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्णता बन गई थी। 135 गेंदें खेल चुका था ये खिलाड़ी, भारतीय गेंदबाजों को थका रहा था, और 4-5 चौके जड़कर ये अपनी पारी में 251 रन बना चुका था। इसका विकेट भारतीय क्रिकेट टीम को हर हाल में चाहिए था। और दोस्तों, विराट और उमेश यादव के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है ये तो हम सभी जानते हैं, और उमेश यादव का इस्तेमाल कर आज विराट कोहली ने भारत को एक और बहुत बड़ा विकेट दिला दिया। दोस्तों, उमेश यादव जब पारी के 43वें ओवर में जाकिर के सामने गए तो वह तो वैसे ही 6 फुट के खिलाड़ी है। विराट कोहली ने कहा कि अपने एक्स्ट्रा बाउंस का इस्तेमाल कीजिए, उमेश ने बिल्कुल वैसा ही किया और इस ओवर की चौथी गेंद को एक्स्ट्रा बाउंस के साथ फेंक दिया, जिस पर एक खराब शॉट खेल बैठे जाकिर हसन और दोस्तों सिराज को कैच थमा बैठे, जिसके चलते उनका विकेट भारत को मिल गया। और इसी तरीके से दोस्तों बांग्लादेश की टीम के 102 पर 5 विकेट गिर गए थे। दोस्तों, कहने को तो गेंदबाजों ने विकेट लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोहली की कप्तानी भी भारत के लिए काफी ज्यादा सफल साबित हुई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी विराट कोहली की कैप्टनसी को 10 में से कितने नंबर देंगे, साथ ही भारतीय खिलाड़ियों गेंदबाजी को, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।